हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोस स्टडी। और मेरा नाम है अमन सिंह। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर सेशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। नॉट हाउ लॉन्ग बट हाउ विल यू हैव लिव इज़ द मेन थिंग। दोस्तों, हमें ज़रूरी नहीं कि हम कितना लंबा जिए, बट जितना जिए वो कैसे जिए हमने लाइफ, अपनी खुशी के साथ जिए या निराशा के साथ जिए, उदासी के साथ जिए। तो दोस्तों, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि हमने कितना लंबा जिए, बट हमें छोटी सी जिंदगी को अपने हंसी खुशी जीना चाहिए। बस यही ज़िंदगी का नियम है। शुरुआत करते हैं एक पहले क्वेश्चन के साथ में। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों, इससे पहले यहां पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी। दोस्तों, इस समय यानी 8 सितंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे, इसमें संसद और हमारे राजपथ का जो बिल्डिंग है उसको अनावरण किया जा रहा है। तो उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सारे वन डे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, और उसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था। दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की इनकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। और 2022 में शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये वाला क्वेश्चन है कि 2021 में पद्म विभूषण से भी शिंजो अबे को नवाजा गया। एक बुक है बोस जी की, इंडिया स्ट्रगल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। ये रहा हमारा राजपथ और ये हमारी प्रतिमा रही सुभाष चंद्र बोस जी की। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुदुमाई पेन योजना, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। ये इसमें है क्या पुदुमाई पेन योजना आगे में? इसमें सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक की कक्षा के पढ़ने वाले सभी लड़कियों के लिए यानी छात्राओं के लिए अपने स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और ITI पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दे रही है तमिलनाडु सरकार। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुदुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार की है, तो आपको बता देंगे कि ये तमिलनाडु की है। दोस्तों, इसमें इनके CM कौन है? M.K. स्टालिन और R.N. रवि हमारे तमिलनाडु के CM और गवर्नर हैं। ये रही योजना के बारे में बताते हुए। दोस्तों, जल्लीकट्टू जो कि एक त्यौहार है, मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं तमिलनाडु में, और PM श्री योजना भी अभी लॉन्च की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इसका अभी प्रदान किया जाएगा, इसकी अभी घोषणा कर दी गई है। बात कर रहे हैं CM ममता बनर्जी हैं वहाँ की। और दुर्गा पूजा जो विश्व धरोहर स्थल है उसको यानी यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में इसको भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अगली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 को टीबी मुक्त अभियान शुरू किया, ठीक है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ की गवर्नर थी। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी को 2025 तक लक्ष्य रखा ख़त्म करने के लिए और मलेरिया को 2023 तक के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। DRDO के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर सतह से हवा में मार करने वाली एक क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली यानी कि QRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ से किया? ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। दोस्तों, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, बात करते हैं हम QRSAM की। ये मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। दोस्तों, अस्त्र जो कि हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको रसिया और इंडिया से मिलकर बनाया गया है। ब्रह्म यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है और होस जो रशिया की एक नदी है। बात करते हैं समीर कामत जी जो कि DRDO के अभी नए हेड हैं। ये रहा हमारा DRDO। इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंटरग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो देख रहे हैं अब यहाँ से उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। साइबर अटैक को रोकने के लिए भारत और UK ने 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया। तो दोस्तों, ये पूछा जाएगा रैनसमवेयर अभ्यास किस किस देशों के बीच हुआ और कितने दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुछ इसमें प्रमुख निधन के बाद में बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भिखारी ठाकुर जो कि है नाच मंडली का आखिरी लौंडा, मतलब कि आखिरी लौंडा इनका एक नाच है, उससे इनको उस समय मतलब दिया था, क्योंकि नृत्य से संबंधित है ये।
और इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। रामचंद्र मांझी जी का निधन हो गया है, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनके बारे में कुछ अदर निधन की हम बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर गायिका थी जो कि इनका निधन हो गया अभी कुछ समय पहले। और बात करते हैं हम साइरस मिस्त्री जो कि चेयरमैन थे हमारे टाटा संस के, काफ़ी यंग एज थे। और भजन सुपारी ये भी हमारे संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जनरल बिपिन रावत की बात करें जो पहले CDS थे हमारे भारत के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिरजू महाराज जो कि हमारे कथक नृत्य थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 सितंबर को गूगल एक रचनात्मक और कलात्मक डूडल के साथ डॉक्टर भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई जा रही है। तो पूछा जाएगा अभी किसकी 96वीं जयंती मनाई गई है। भूपेन हजारिका को 8 सितंबर 1926 को असम में सदिया जिले में हुआ था, किनका जन्म हुआ था इनका, ठीक है। उन्हें मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दो बातें और हैं, 2019 में प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को भी हमारे अवार्ड दिया गया था। ये रहे हमारे भूपेन हजारिका जी। बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत 132वें स्थान पर रहा। रैंक का क्वेश्चन हर एक सिंगल डे में पूछ लिया जाता है, सिंगल डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए कि खुशहाली में भारत 136वें स्थान पर है और विश्व प्रेस फ्रीडम में 150वें स्थान पर है, पर्यावरण सूचकांक में 180वें स्थान पर है, शांति में भारत 135वें स्थान पर है, भ्रष्टाचार सूचकांक में दोस्तों 101वें स्थान पर है और हंगर इंडेक्स में भी 101वें स्थान पर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये कंटेंट आपके लिए ही है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।